हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं सूजी का एक बहुत ही बढ़िया नाश्ता आप लोग के साथ शेयर करूंगी। यह नाश्ता आप कभी भी बना सकते हैं, इसको बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो चलिए फटाफट से ये नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सोनी रेसिपी को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम सूजी ले लेंगे। ये आप मोटी या बारीक वाली सूजी कोई भी ले सकते हैं। तो आधी कटोरी से थोड़ी ज्यादा ये सूजी है। एक कप के करीब में इसमें हम दही डालेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश दही है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे ताकि अच्छा सा एक बैटर तैयार हो जाए। इसको काफी गाढ़ा नहीं करना है, हल्का पतला रखेंगे क्योंकि अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो देखिए, अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है, बहुत पतला भी नहीं है। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक हमारी सूजी फूल रही है, चलिए सब्जी की तैयारी कर लेते हैं जो हम इसमें डालेंगे। इसके लिए मैंने एक हैंड चॉपर लिया है। कैप्सिकम डाल लेंगे, इसका बीज हमने निकाल दिया है। अब टमाटर डालेंगे, टमाटर का भी बीज हमने बाहर निकाल दिया है। थोड़ा इसमें हम गाजर डालेंगे, इसको छील कर हमने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज भी इसमें डाल देंगे। तो हमने सब कुछ इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं। अब तक हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी होगी। अब सूजी को देख लेते हैं। तो देखिए, सूजी अच्छे से फूल गई है, इसका पानी एकदम सूख गया है। तो एक दो चम्मच पानी डालकर पहले इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सारी सब्जियों को हम डाल देंगे। तो सब्जियों को हमने अच्छे से इसमें मिला लिया है। इस तरह से दही और सूजी को अगर आप थोड़ी देर फूलने के लिए रख देंगे तो आपको बेकिंग सोडा या इनो डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच इसमें हम हल्दी डालेंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब हम नाश्ता बना लेते हैं। गैस ऑन करके हमने अप्पम के पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो पहले सब में हम ऑयल से अच्छे से ब्रश कर लेंगे। अब सब में एक एक चम्मच बैटर डालते जाएंगे। अप्पे पैन में आप बहुत ही जल्दी नाश्ता बना सकते हैं। 5 मिनट के अंदर ही इसमें नाश्ता तैयार हो जाता है। तो हमने पैन में अच्छे से बैटर को भर दिया है। अब इसे हम 5 से 8 मिनट तक ढककर पकाएंगे। अप्पम को हमेशा आप धीमी आंच पे बनाएं। तो 7-8 मिनट के बाद हमने इसको चेक कर लिया है। तो अब इसे हम पलट लेंगे, लेकिन उसके पहले ऑयल से ब्रश कर देंगे ताकि ये पोर्शन जब नीचे जाए वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए, बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। तो सबको बारी बारी से पलट लेंगे। सबको हमने पलट लिया है। अब फिर से इसको 5 मिनट के लिए हम ढककर पकाएंगे। हमने इसको चेक कर लिया है, देखिए ये अच्छे से हो चुका है। अब चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सूजी के नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। तो एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।